नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के बीएचयू में मुनव्वर राणा के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। आज दिनांक 16/1/2024 को मधुबन वाटिका बीएचयू में दिवंगत शायर मुनव्वर राणा के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। ज्ञातव्य है कि 14 जनवरी 2024 को मुनव्वर साहब के मृत्यु के वजह से साझा संस्कृति मंच और मधुबन गोष्ठी के संयुक्त कोशिश से आज का यह श्राद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। मुनव्वर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पण करके छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा में उर्दू शोधकर्ता ने कहा कि रिवायती मुशायरों का बादशाह शायर हमारे बीच से चला गया। 26 नवम्बर 1952 को रायबरेली में पैदा हुए तो सारी जिंदगी रायबरेली का कलमा पढ़ने में रहे। कलकत्ता में अब्बा के साथ ट्रक के पहियों संग जिंदगी शुरू की और धीरे धीरे अपना खुद का ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया। एक शायर दिल इंसान, एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। ट्रक के पहिए जितना चलते उससे ज्यादा मुनव्वर साहब की किताबें चलती। बाजार में उनकी धूम थी तो मुशायरों में उनका जलवा। जिंदगी पूरी तरह मेहरबान थी, इस मर्म छू कर शेर कहने वाले शख्स पर। किसान आंदोलन के समय शायर के अंदर बैठे सजग हिंदुस्तानी ने लिखा, संसद को गिरा कर खेत बना दो, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। कई दफा लेखकों की कलम से सत्ता की कमर तोड़ी है। मुंशी प्रेमचंद दिनकर, पाश धूमिल और भी बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिनकी कलम से क्रांति की मशाल जली। इस शेर को इसी धारा से के अंतर्गत देखा पढ़ा जाना चाहिए। बीते 10 साल में खास तौर पर पत्रकार उन्हें मशाल खबर के लिए ढूंढते थे। मुनव्वर भी कभी मायूस नहीं करते, जो दिल में आया कह डाला, उसका असर जब होगा तब होगा। मुनव्वर राणा का उर्दू अदब में बड़ा भारी काम रहा। माँ पर लिखते समय उनकी कलम में माँ सरस्वती स्वयं बैठ जाती थी। शायद मुशायरों के मंच पर घर, भाई, गांव और माँ पर जब वो शेर कहना शुरू करते थे, उनमें किसी पीर फकीर की दीवानगी और बंदगी दिखती थी। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। शेर कहते समय वो किसी छोटे बच्चे सुदृढ़ मालूम होते हैं जो अपनी माँ से लिपट जाना चाहते हैं। माँ के आंचल में खो जाने को ललायत ये शायर ठीक उसी समय, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, कहते हुए पूरी तरह से सजग राजनीतिक वक्तव्य दे रहा होता है। आज की श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से रोशन, सोनाली, राणा, रोहित, नीरज, धनंजय त्रिपाठी, विवेक, शाश्वत, इंदु, जागृति राही, साक्षी, प्रज्ञा, वंदना, समर, शांतनु, आनंद, अभिनव, संगम, अर्पित समेत दर्जनों साहित्य प्रेमी आदि मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।